नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। नमस्कार सर, मेरे पास आइडिया के शेयर है, आईपीओ के अलॉटमेंट है। आईपीओ के अलॉटमेंट है, क्या बात है। 32 वाले भाव वाला? जी सर। तब तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। हाँ ललित, आपने तो मतलब मुझे उम्मीद है कि आपने अपने दोस्तों को पार्टी दे दी होगी, पैसे इतने आपके बढ़े हैं इस शेयर में। राइट सर। हाँ ठीक है, आज ही 5% ऊपर इरिडा, लगातार हमने ये तेजी देखी है। बहुत बढ़िया वैल्यूएशन पर आईपीओ आया था, आईपीओ पर पैसे डबल हुए, उसके बाद भी शेयर रुका नहीं। 177 रुपये का भाव है, करीब करीब इनके भाव से 6 गुना। हिमांग जी, IREDA रिन्यूएबल वाली कंपनी है, उसकी फाइनेंसिंग ये करती है, सरकार का फोकस है, रीजनेबली प्राइस था, क्या कहेंगे आप, कहां तक ये शेयर जाएगा और आईपीओ के जो निवेशक हैं वो क्या प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचे या फिर बने रहे और थोड़े थोड़े अपने स्टॉप लॉस अपने हिसाब से ऊपर करते रहे? एक्चुअली जो एक तो उनको अलॉटमेंट मिली वो एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि काफी ओवरसब्सक्राइब हुआ था इशू और काफी कम लोगों को लगा था, और उसके बाद जो मूव आई है स्टॉक के अंदर वो हिस्टोरिक थी। लगभग मेरे ख्याल से 60 रुपए के आसपास ये लिस्ट हुआ था, और उसके बाद स्टॉक में एक बहुत ही बड़ा हमने मूव देखा। इनफैक्ट 200 के पास गया था, फिर थोड़ा सा एक करेक्शन में आया है। फंडामेंटली अगर बात करें तो नो डाउट रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ये कंपनी फाइनेंस करती है, तो स्पेस काफी अच्छी है। पर अगर आप उसकी वैल्यूएशन और उसके फाइनेंशियल्स देखें तो ऐसी कोई बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है। अभी भी ये स्टॉक लगभग 7-8 टाइम प्राइस टू पे कोट कर रहा है, तो फंडामेंटली इसके अंदर मुझे ऐसा कोई मेरिट नहीं लगता है। पर कई बार स्टॉक मार्केट में जो मूव्स आते हैं वो फ्लोट के हिसाब से भी आते हैं और एक थीम भर के आती है, तो आप इसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देंगे तो अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से अभी रीसेंट जो नो था लगभग 150 के आसपास, वो स्टॉप लॉस लगा के आप उसमें बने रह सकते हैं और एक लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो कोई बुरा आइडिया नहीं होगा, बिकॉज कई बार मौका अपना छूट जाता है हाथ से। तो मेरे ख्याल से अगर आपको 200 के आसपास का भाव मिले तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग करने का भी सोचें। थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग के बारे में IREDA में सोच सकते हैं, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहते हैं कि कई बार एथिक्स ये कहता है कि आपके पैसे जब कई गुना हो जाएं तो आप तो दरअसल मुनाफा थोड़ा एंजॉय कीजिए, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आप कर सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी।